हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में 6 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा सीरीज काला पानी। कुछ दिन पहले साउथ इंडमान के 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में 11 पेशेंट्स एडमिट हुए। हमारा बच्चा लोग अकेला छोड़ गया, जिंदा भी हो गए। सीरीज की कहानी अंडमान निकोबार के द्वीपों पर फैली एक रहस्यमयी और घातक महामारी के इर्द गिर्द घूमती है। इस महामारी में लोगों के गर्दन पर रैसेस के साथ खांसी होती है और फिर अचानक उनकी मौत हो जाती है। इस महामारी के कारण द्वीपों पर अराजकता और डर का माहौल बना हुआ है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। उस काला पानी की असली दीवार तो बाहर है। अब क्या डॉक्टर लाखों लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी का भार उठा पाएंगे? क्या पोर्ट ब्लेयर के लोग इस खतरनाक बीमारी से बच पाएंगे? सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको सीरीज में ढूंढने होंगे। इंसान बदलाव का नतीजा है और जो खुद को हालात के साथ बदल पाए They are considered to be the fittest. हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है G5 पे अवेलेबल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज दुरंगा सीजन 2। मेरा एक अतीत है हीरा, सुन सकोगे? प्यार तुमसे किया है समित, तुम्हारे अतीत से नहीं। जब सभी को लग रहा था कि 17 साल पुराना सारंगवाड़ी सीरियल केस खत्म हो गया है, तो 6 महीने बाद फिर से उसके जैसा ही एक मामला सामने आता है। वहीं 14 साल से कोमा में सोए हुए असली समित पटेल को होश आ गया है। किसी और का आइडेंटिटी वो कैसे ले सकता है? नहीं पता, मेरा भाई कोई हो ही नहीं सकता, उसे खुद कन्फेस करना होगा। अब कौन है वो जो सुमित की आड़ में इस किडनैपिंग की घटना को अंजाम दे रहा है? क्या सुमित को उसकी पहचान वापस मिल पाएगी? क्या वह अपनी फैमिली के साथ फिर से अपनी जिंदगी जी पाएगा? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। 14 साल पहले अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज तुम्हारी लाइफ मेरी होती। दोबारा मेरे घर में घुस के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है सोनी लियू पे अवेलेबल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज गर्मी। सांप सीढ़ी का खेल है छात्र राजनीति। यहाँ या तो लौंडे कुछ बन जाते हैं या टोटल बर्बाद हो जाते हैं। गर्मी वेब सीरीज की कहानी छात्र राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे छात्र राजनीति में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार होता है। कॉलेज को भविष्य के नेताओं की फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग अपने लोगों को इस्तेमाल करके उनकी बलि चढ़वा देते हैं वो ज्यादा आगे जाते नहीं है। तुम इलेक्शन लड़ोगे, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनो। अब इसी बीच IAS ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले अरविंद शुक्ला की स्कूल की राजनीति में एंट्री होती है, लेकिन इसी बीच वह इसकी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, जिसे इस सीरीज में काफी मजेदार तरीके से दिखाया गया है। तुम ही क्यों कूदते हो हर बार प्रॉब्लम में? हमें लग रहा है हम यहां रहेंगे ना तो कुछ कर देंगे हम। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज गुलाब एंड गन्स। मैं चाहता हूं कि पापा को मुझ पर नाज हो, उनको दिखाता हूं कि मैं गांजी हूं। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। सीरीज की कहानी 1990 के गुलाबगंज नाम के एक काल्पनिक शहर पे बेस्ड है, जहां एक नामचीन गैंग गन्स एंड गुलाब्स एक्टिव रहती है। इस गिरोह के सरगना के बिना शहर में कोई भी गलत काम नहीं होता। मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया और तुम्हें लग रहा है तुमसे मिला लूंगा? ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है जो ऐसे ही बैठे बैठे आराम से हो जाएगी। डील का 5% आपका होगा। शहर में ड्रग डीलिंग हो या मर्डर, हर काम में इस नामचीन गैंग का बड़ा हाथ होता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब इसी गैंग का एक बदमाश ईमानदार पुलिस अफसर में बदल जाता है। अब क्या वह ऑफिसर सच में बदल गया है या इसके पीछे भी कोई ट्विस्ट है? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और कसम पैदा करने वाले की वो शैतान को अंदर ही रहना चाहिए। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है क्राइम ड्रामा सीरीज काला। मेरा एक सोर्स नमन के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, इंडिया में पैसे लाते हैं और घुमाते हैं, ये कई सालों से करते आ रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक अज्ञात आदमी से होती है जो IB ऑफिसर ऋत्विक को फेमस बिजनेसमैन नमन आर्या के काले कारनामों की जानकारी देता है। IB ऑफिसर के रूप में ऋत्विक नमन आर्या की छानबीन में जुट जाता है। एविडेंस उसके पिछवाड़े से निकालोगे क्या? टू मेक द वारंट स्टिक। आप कल उसको अरेस्ट करो, स्टेट मशीनरी आपके साथ है। लेकिन इस छानबीन में कुछ ऐसा होता है जिससे ऋत्विक खुद मुसीबत में फंस जाता है। अब ऋत्विक खुद को बेगुनाह साबित करके नमन आर्य को जेल की सलाखों तक कैसे पहुंचाएगा? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कोई व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में क्यों बदलेगा? टेररिस्ट फंडिंग, इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, It can be anything, sir. सर, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने सोर्स के थ्रू इस कंसाइनमेंट को ट्रैक करके रोक पाऊंगा। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है सोनी लियू पे अवेलेबल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ द सोलांग वैली। अब तुझे कौन बचाएगा भांजे? शेर और मौत।
सॉरी मात। सीरीज की स्टोरी अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द सीटा फोर्ड मिस्ट्री पर आधारित है। सीरीज में दिखाया गया है कि चार्ली चोपड़ा ने अपनी माँ से जासूसी सीखी है। पक्का किसी ने जिम्मी को फंसाया है? परिवार के हर सदस्य के पास हत्या का कारण था। यहाँ सबकी दाल में काला है। जिसके बाद वो अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल अपने मंगेतर को बचाने के लिए करती है। चार्ली के मंगेतर पर अपने ही मामा के कत्ल का इल्जाम है। अब चार्ली अपने मंगेतर को बचा पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस कमरे में ना सबके दिमाग में यही एक शब्द गूंज रहा है, पैसा पैसा पैसा। ये मारी पड़ सकता है हम सब पे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।